सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। आइए शुरुआत करते हैं नववर्ष 2020 के पहले बुलेटिन की। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिरप्पा ने नववर्ष के मौके पर देर रात शहर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से हाथ मिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सायाहपुर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा होने के बाद अब शहर का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी के चलते यहां के पार्कों में ओपन जिम बनाए गए हैं। ओपन जिम में लोग निःशुल्क अपनी सेहत बना सकेंगे। यहां के शहीद पार्क को 4,70,00,000 की लागत से मॉडर्न पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क में ओपन जिम तैयार किया गया है। यहाँ लोग बिना पैसे खर्च किए ही अपनी सेहत बना सकते हैं। मंगलवार को होने वाले तहसील समाधान दिवस के स्थान पर अब संपूर्ण समाधान दिवस होगा। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संपूर्ण समाधान दिवस पर आने वाले आवेदनों का प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस होंगे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज थाना सेराम और दक्षिणी में उप निरीक्षक आवासों के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कार्यों का पूजन के साथ फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी और कहा कि स्वच्छता पर हर किसी को ध्यान देना चाहिए। इससे अपने आप को सुकून तो मिलता ही है, साथ ही साफ सफाई इस तरह की हो कि ड्यूटी से आने के बाद आप भी राहत महसूस करें। नववर्ष के मौके पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के तहसील अध्यक्ष पवन कश्यप और महासचिव सचिन मिश्रा ने अपनी टीम के साथ गांव गुथनी में जाकर गरीब बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म मोजे और दस्ताने वितरित किए। वहीं जरूरतमंद बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें भी वितरित की गई। जल निगम द्वारा महानगर के फतेहपुर रेती में बनाए जा रहे पानी के ओवरहेड टैंक की निर्माण कंपनी मजदूरों की सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रही है। चौड़ेरा गांव निवासी हिमांशु वर्मा ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। उनका कहना है कि इस टैंक का निर्माण गाजियाबाद की कंपनी कर रही है और इसमें काम कर रहे मजदूर बिना हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट के ही ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए निर्माण कंपनी पर नकेल कसना जरूरी है। तिलहर के किसान सहकारी चीनी मिल के चीफ इंजीनियर लक्षेश्वर राजू, डिप्टी चीफ केमिस्ट वीके शुक्ला व लैब बॉय सतीश गंगवार को सेवानिवृत्त होने पर मिल के जीएम शेर बहादुर ने फूलमाला व साल उड़ाकर सम्मानित किया। मिल के गेस्ट हाउस में हुए विदाई समारोह में सभी को रामचरितमानस, मिठाई व पीएफ का चेक देकर भावभीनी विदाई दी गई। ढाईघाट पर लगने वाला रामनगरिया माघ मेला अब शुरू होने वाला है। आज कलान तहसील के एसडीएम रमेश बाबू और मिर्जापुर के थानाध्यक्ष दिलीप यादव आज ढाईघाट मेले का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मेला अधिकारी एवं जिला पंचायत के कर्मचारियों को मेले की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि किसी साधु संत और कल्पवासी को परेशानी न हो। तिलहर ब्लॉक के ख्वाजा सराय और सरैया गांव में नहर कटने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। इतना ही नहीं, नहर का पानी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में भी भर गया, जिससे स्कूल में बच्चों का पहुंचना दूभर हो गया। इस वजह से आज का शिक्षण कार्य भी प्रभावित हुआ। सूचना के बाद नहर विभाग के कर्मचारियों ने नहर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। तिलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुरू किए गए ऑटो एनालाइजर जांच केंद्र अक्सर बंद रहता है। सीआईसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कमर उज्जा का कहना है कि इस जांच केंद्र में तैनात कर्मचारी शनिवार और बुधवार को टीकाकरण के कार्यक्रम में रहता है, इसलिए जांच केंद्र अक्सर बंद रहता है। यूपी सरकार भले ही गड्ढा मुक्ति की बात कर रही हो, लेकिन यहां के बरेली मोड़ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं। NH24 के हाईवे पर इन गड्ढों से आम जनमानस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लखनऊ से दिल्ली जाने का यह सबसे महत्वपूर्ण रास्ता होने के बावजूद एक खस्ता हाल है। इस हाईवे पर गड्ढों से कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन गड्ढों की मरम्मत कराना शासन और प्रशासन उचित नहीं समझता। तिलहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय INSS के कैंप का तीसरा दिन था।
जिसमें स्वयं सेवी छात्राओं ने INSS द्वारा गोद लिए गए बिलहरा गांव में छात्राओं की टोली ने जल संरक्षण के लिए दीवारों पर नारे लिखकर लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा जल है तो कल है विषय पर नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया। तिलहर के नेशनल हाईवे स्थित खनपुरा गांव में श्री राम जानकी मंदिर के महंत पद्मनाथ जी महाराज ने कल्याण पात्र नाम से एक आयोजन का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया है कि इस थैले में गृहिणी प्रतिदिन एक मुट्ठी आटा और एक रुपया दान स्वरूप डालेंगी और इस थैले को प्रत्येक गृह स्वामी अमावस के दिन मंदिर परिसर में पहुंचाएगा। इसके बाद पूर्णमासी को यहां पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा।